पिछले साल तनुश्री दत्ता ने मीटू के तहत नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता के आरोपों को गलत बताया था, लेकिन सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर की जमकर आलोचना हुई थी, जिसके बाद हाउसफुल 4 के निर्माताओं ने नाना को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब भाई खबरों के मुताबिक मीटू का ठप्पा लगने के बाद नाना हिंदी फिल्मों में तो नहीं लेकिन तेलुगु फिल्मों में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, नाना पाटेकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर सकते हैं। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म नन्ना नेनू में अहम रोल निभाते नजर आ सकते हैं। मूवी में नाना पाटेकर नेगेटिव रोल में दिखेंगे, जहां नन्ना नेनू के डायरेक्टर नाना पाटेकर से रोल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सब कुछ सही रहा तो जल्द ही फिल्म में नाना की कास्टिंग को ऑफिशियल किया जाएगा। डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास तेलुगु दर्शकों के सामने नया चेहरा लाना चाहते हैं। गंभीर विचार के बाद त्रिविक्रम को लगा कि इस रोल के लिए नाना पाटेकर फिट बैठेंगे। नाना से मेकर्स की बातचीत जारी है। बता दें कि नाना पाटेकर से पहले इस फिल्म में तब्बू के तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने की चर्चा थी। अब देखना होगा कि तनुश्री दत्ता के आरोपों के बाद सिल्वर स्क्रीन पर नाना पाटेकर को देख दर्शकों का रिएक्शन कैसा होता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए PMS मीडिया।